कुछ बना रही थी, यानी मैंने दाना भूजा था और मैंने चाय भी बनाई थी। तो ये सुबह की खिलकी है। और उस दिन यानी व्रत का दूसरा दिन था, जिसे द्वितीया बोलते हैं, तो वो वाला दिन था। तो आप लोग भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। और ये वाली खिलकी जो मैंने दिखाई थी, मैं एक दिन गई थी प्रशिक्षण करने, तो उसी दिन की थोड़ी खिलकी थी। तो मैं प्रशिक्षण कर रही थी और बच्चे और हमारे पति खुद गए थे वहाँ पार्क में बच्चों को घुमाने के लिए। तो बस वहाँ का वीडियो था। ये देखिए चाय हो गया है रेडी, तो आप सभी पी लीजिए और हम चलते हैं, सभी को चाय देते हैं। यहाँ प्लेट लगा है। शिवा शिवा ये क्या हो रहा है? कुछ तो व्रत के लिए ही और कुछ भी घर के लिए भी सामान आ रहा है। तो फिर आप लोग भी देख रहे हैं क्या क्या सामान आया है। तो ये मूंगफली का दाना जो आ गया, सभी दाना तो नहीं आया था। ये है चावल जो आ गया है, सिवा खाएंगे। थोड़ा सा ये छुहारा है यानी आधा केजी है। और ये आया है देसी घी शुद्ध पानी धूप दीप करने के लिए। और ये है अखंड जोत। मेरे पास जोत था पर वो छोटा पड़ जाता था, तो इसीलिए थोड़ा हाँ? नीचे रखो। और ये है घी। और ये है सॉस जो आया है। और क्या आया है अभी आप सब देखना। ये है किशमिश। और मैंने तो सामान तो मैं उठा ले रही थी, यहाँ से नारियल वगैरह तो सब निकाल लिए थे। बस के हिसाब से जो नमक वगैरह आया था मैंने निकाल लिया था। ये भी थोड़ी सी क्योंकि पार्क की पड़ी थी, तो आप सब भी देखो पार्क की नहीं थी, उसी स्कूल की थी जहाँ पर हमारा प्रशिक्षक हुआ। मैं किसी भी उसका भी वीडियो और यहाँ ये आ चुकी है दादी। अभी इनको भूख लगी थी तो अपने घर से आई थी, कहीं मुझे भूख लगा है तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लो। किसी दिन हम इनसे गाना गवाएंगे, आप लोग जरूर सुनना दादी जी से ना। हम ना गाए पाए इधर, मुझे गाना नहीं आता है एकदम से। किसी दिन ये गाएंगे तो आप लोग को सुनने को मिलेगा। आप लोग इंतजार करना, वेट करना, हम जरूर डालेंगे किसी ना किसी दिन इनका गाना। तो हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ, हमारा बस इतना सा ही वीडियो था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। और मैंने आपसे अभी तक बात नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें कर लेती। और मैंने जो टाइटल डाला है वो तो आप सबने समझ गए होंगे कि हाँ कुछ बात है तो हाँ पे नहीं। कल हमारे मोबाइल पे यानी हमारे वीडियो पे एक कमेंट आया था, उस कमेंट बॉक्स में लिखा था तो बहुत टाइम लग रही हो। तो हाँ मैं उनसे पूछ रही हूँ, बहुत खूबसूरत है क्या? मुझे तो नहीं दिखता है कि इतने खूबसूरत है कि दूसरे को ऐसा बोल सकती है, लेकिन मैं टाइम लगाई किस तरह से मुझे बता सकती हूँ तो बता देना। उसके बाद में फिर उन्होंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। उसके बाद में दूसरा मैसेज किया और फिर उन्होंने कहा सॉरी दीदी मैंने नहीं बोला था, मेरे मोबाइल से किसी दूसरे ने कमेंट किया था तो उन्होंने कहा था। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ क्यों आपके घर में यही संस्कार होते हैं कि जो जी में आए वही एक दूसरे को कह सकते हो, ये कौन सी बात हुई?
मैं डायन लगती हूँ ना, कहाँ से लगती हूँ मुझे तो नहीं पता। कोई ज़रूरी है कि हमेशा को ढेर सारा मेकअप लेकर बैठ जाओ? मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता है ना, मैं मेकअप इतना नहीं कर पाती हूँ कि एकदम से मेरा फेस बना ही रहे, जो डुप्लीकेट रहे वो बिल्कुल दिख ही रहे। मैं ऐसी हूँ, ऐसी आप सबको मिलूँगी। कभी हमारे यहाँ आप सब आओगे तो मैं ऐसी मिलूँगी, मैं जैसी दिख रही हूँ वैसी ही हूँ। और मुझे ज़्यादा मेकअप वेकअप करना नहीं आता है। और उन्होंने बाद में कहा शारी शारी दीदी, मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ वो तो देखने में मुझसे बड़े लगते हैं, मुझे छोटे नहीं हैं। लेकिन हाँ मुझे दीदी बोलती हूँ, चलो खैर कोई बात नहीं, बड़े छोटे का क्या बात है। अक्सर लोग बोलते हैं, मेरी तो आदत सी बन गई है कि हमारे स्कूल में इतने बड़े बड़े भंडारी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कभी बिटिया बोलते हैं, कभी दीदी बोलते हैं। तो मेरी तो आदत सी बन गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बड़े हो या छोटे हो, कोई बात नहीं, इससे मुझे नहीं बुरा लगता है। लेकिन उन्होंने जो कल मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अगर शायद उन्होंने मुझे सॉरी ना बोला होता तो मैं स्किन सार उनका लगा भी देती, लेकिन उन्होंने मुझे सॉरी बोला है तो मैं उनसे यही कहूँगी कि हम ऐसे ही संस्कार देते हो, यह गलत बात है। तो फिर आज बस हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, इस वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।